हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रौनक्स रेसिपी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रमज़ान स्पेशल फर्स्ट व्लॉग की रेसिपी, जो कि हमारी स्पेशल रेसिपीज़ हैं जो हमने रमज़ान के फर्स्ट दिन बनाया है। और आप इसकी वीडियो एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी। यहाँ पर मैंने शरबत बनाया था, वो बहुत ही बेसिक शरबत है। पकौड़े बनाए थे हमने, प्याज के पकौड़े, एंड मोमोज बनाए थे और चना बनाया था, एंड बाकी फ्रूट्स थे। सो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना की रेसिपी। यहाँ पे हमने लिया है ब्लैक चना, काला चना, इसे हमने भिगो के रख दिया था सोख करके। अभी इसे प्रेशर कुक करना है, इसमें थोड़ा नमक और पानी दे के इसे प्रेशर कुक कर लीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे हमने बनाया था मोमोज़ की रेसिपी। मोमो की रेसिपी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी बहुत ही जल्द अपने चैनल पे। तो ये चिकन को अच्छे से कुक कर लिया था, नमक मिर्च और अदरक लहसुन देख के हमने पका लिया था तेल में। एंड ये जो है, हम लोग कच्चा मोमोज चिकन नहीं यूज़ करते हैं, आप लोग थोड़ा सा पका के यूज़ करेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है, अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको बनाना है जैसे भी। यहाँ पे चॉप्ड अनियंस दिया है हमने, एंड थोड़ा सा सोया सॉस एंड चिली सॉस एंड थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए एंड ये मोमोज की स्टफिंग रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट इसे हमने स्टीम कर लिया। तो इसकी रेसिपी आपको अगर देखनी है डिटेल में, मोमोज़ की रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ बहुत ही जल्द। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाए। एंड ये मोमोज़ बनाया था हमने, एंड ये चना, ये देखिए बॉईल हो गया अच्छे से चना। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, यहाँ पे आपको डालना है हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये है चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी, एक एक टीस्पून सब डालना है। एंड मसाले को अच्छे से भून लेना है पानी डालकर, सभी को अच्छे से भून लीजिए। ये मसाला रेडी हो जाएगा। चना की रेसिपी है, काफ़ी इजी रेसिपी, आप इसे देखकर फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। नाउ इसमें बॉयल चना ऐड कर दीजिए, अच्छे से भून लेना है इसे। एंड ये देखिए इतना टेस्टी बनता है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। नाउ ऐड चॉप्ड टमेटोज एंड चॉप्ड अनियंस, आप इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं बट ये ऑप्शनल है, अगर आपको ऐड करना है तो नहीं। एंड नाउ मिक्स नाइसली, एंड ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड करके इसे रेडी कर लेना है, बहुत ही इजी एंड टेस्टी लगता है ये। नाउ लास्ट में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लीजिए। तो ये चना बन के रेडी हो चुका है एंड ये मोमोज भी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। सो बहुत ही जल्दी जल्दी हमने बनाना था ये सब रेसिपी हमने बनाई है। मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल अपने चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड नेक्स्ट ये रूह अफ़ज़ा का हम लोग शरबत बना रहे थे, सिंपल सा शरबत है ये। इसमें बस रूह अफ़ज़ा को हमने चीनी में डिज़ोल्व कर दिया एंड पानी ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। एंड इसमें आइस क्यूब्स ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, वरना ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है बट गले के लिए नुकसान है। एंड इसमें थोड़ा सा सब्ज़ा सीड्स हमने ऐड कर दिया है, ये भी काफ़ी ठंडक होता है एंड अच्छा भी होता है। तो ये नेक्स्ट हम लोग प्याज के पकौड़े बना रहे थे। ये चना का दाल हमने अच्छे से पीस के रख दिया था एंड इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून एंड नमक थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड प्याज बहुत सारा एंड धनिया के पत्ते। तो ये प्याज के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनता है, इस तरीके से आप लोग बनाएं, ऐड करें। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दीजिए एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सो ये प्याज के पकौड़े बनाएं गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगता है रमज़ान के टाइम में। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने एंड इसे अब गर्म गर्म तेल में फ्राई करना है। हॉट ऑयल यहाँ पर हमने कढ़ाई में रख दिया था एंड इसे गर्म तेल में आपको फ्राई करना है। पहले इसे हाई फ्लेम में फ्राई करें एंड देन इसका फ्लेम आप लो करके इसे थोड़ा कुक कर ले। तो ये देखिए बहुत सारे प्याज के पकौड़े बनके रेडी हो जाएंगे एंड काफ़ी इजी रेसिपी है, इस तरीके से आप लोग भी ट्राई करें, प्याज के पकौड़े बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये था हमारे रमज़ान स्पेशल आज फर्स्ट डे व्लॉग। तो हमने यहाँ पर फ्रूट्स भी कट करके रख दिए थे, बस कुछ बेसिक सा चीज़ें हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून, कमेंट करके बताएं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।